तो हम डिस्कस कर रहे हैं विजुअल बेसिक में, वीबीए मैक्रो प्रोग्रामिंग में कंडीशंस के बारे में जानेंगे कि हम कैसे इफ कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं और इफ से क्या बेनिफिट है, ये हम आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपके सामने एक छोटा सा हमने डेटा बनाया हुआ है और हम इसमें हम वीबीए के थ्रू हम कॉलम बी में इंसेंटिव शो करने वाले हैं, जैसे INC। इसमें हम ये शो करना चाहते हैं कि जो सेल वैल्यू ग्रेटर देन 50 है उसके ऊपर वहां पे 500 हो जाए। मैं जस्ट इतना ही चाहता हूँ कि जहां ग्रेटर देन 50 है, जनरली इसके लिए हम इफ लगाते हैं, लेकिन हम वीवीए के थ्रू करना चाहते हैं ताकि हम एक कंसेप्ट बता रहे हैं ताकि हम इसको आगे कॉम्प्लिकेटेड चीजों पर भी इस्तेमाल कर सके। तो हम चलिए विजुअल बेसिक पे इसकी प्रोग्रामिंग बनाते हैं। तो यहां पे हम सब्जेक्ट देते हैं, सब्जेक्ट और F1। तो हमें चेक करना है A2 की वैल्यू। तो हम यहां लिखेंगे इफ रेंज A2.value इज ग्रेटर देन 50 देन रेंज B2.value इज इक्वल टू 500। अभी क्या है कि हमारे पास सिंगल कंडीशन एंड सिंगल रिजल्ट है, मतलब एक ही कंडीशन देना है उस पर एक ही रिजल्ट देना है। तो हमने जनरली इसको एक लाइन में लिख दिया, एंड इफ वगैरह का झंझट नहीं रखा, इसको एक लाइन में भी लिखा जा सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं इसको रन करूंगा तो सिर्फ ए आपका एक ही सेल को चेक करेगा और एक ही सेल को अपडेट करेगा, लेकिन मुझे पूरा चाहिए 20 तक। तो इसके दो तरीके हैं। पहला मुझे खाया तो इस तरह से 20 लाइन ऐड करने पड़ेंगे, इसमें 20 लाइन मैं इसमें ऐड करूं, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, और यहां पे बी A2 की जगह पे A3 A4 A5 ऐसे ही B3 B4 B5 करूं, लेकिन ये सही तरीका नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड मैनुअल तरीका हो जाएगा, डायनेमिक नहीं होगा। तो मुझे इस कोड को 20 बार रन करना है या 19 बार रन करना है, इसके लिए हम लूप का इस्तेमाल करेंगे कि लूप i इक्वल टू चले 2 से 20, और यहाँ पे हमने नेक्स्ट i दे दिया। तो नेक्स्ट i क्या है, क्लोजर है। जैसे 4 स्टार्ट हुआ तो नेक्स्ट से क्लोज होगा, जैसे सबसे स्टार्ट होता है एंड सबसे क्लोज होता है, ऐसे ही ये 4 से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट से क्लोज होगा। और 4i एक काउंटर है जो कि काउंट करता है कि 2 से चले 20 तक, और फिर ये आपका चेक करेगा और यहां पे नेक्स्ट i चेक करेगा कि क्या 20 बार चल चुका है, मतलब इस लाइन को ये 20 बार रन करेगा। बट 200 बार A2 ही चलेगा, कोई उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे कि एक वेरिएबल ले रहा हूं ऊपर में। इसके दो तरीके, पहला तरीका है कि dim r as a हमने एक इंटीजर ले लिया और हमने यहाँ पे किया r इक्वल टू, या ऊपर में r 2 से स्टार्ट है ना, इसलिए r इक्वल टू प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1 नहीं, नीचे करना होगा प्लस 1, हाँ यहां पे करेंगे r इक्वल टू r प्लस 1, और फिर मैं जहां जहां A2 हमने डाल रखा है उसकी जगह पे हम r का इस्तेमाल करेंगे, यहां पे r का इस्तेमाल करेंगे ताकि रो बन जाए। अब जैसे कि r यहां पे क्या है, r इक्वल टू r प्लस 1 मतलब कि 2 हो जाएगा, तो a और 2 जब कंबाइन होगा, एंड पर्सन क्या करता है, ज्वाइन करता है ना टेक्स्ट को, जैसे कॉनकरेंट एक्सेल में करती है वैसे यहां a करता है, तो ये ज्वाइन करता है, तो ये दोनों को ज्वाइन करेगा, तो ए और एन आर दोनों जो आपस में ज्वाइन होगा तो ये आपका A1 A2 A3 इस तरह से चलेगा, और जब भी लूप चलेगा इस पे रन कर देगा। अब देखिए ये वर्क कैसे करता है, लूप आखिर चलता कैसे है। तो इसको एक एक करके देखने के लिए हमारे पास डिबग में स्टेप इन्फो होता है, इसका शॉर्टकट होता है F8। तो मैं एक एक करके F8 यूज कर रहा हूं। देखिए मैंने F8 प्रेस किया तो यहाँ पे R पे 1 असाइन हो गया था, R इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ जब वापस मैं एफिट कर रहा हूं तो यहाँ देखिए I भी 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया 4 I to 2 to 20, तो R का I का मान भी 2 हो गया।
अब यहाँ पे जब मैं वापस हुआ r इक्वल टू r प्लस वन, तो पहले से r वन है, उस पे एक प्लस होने पे r क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं r टू हो गया। फिर ये चेक करेगा यहाँ पे r टू मतलब कि a टू की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 50 है। तो जब ग्रेटर देन 50 अगर होगा तो देखिए बी टू पे 500 ये डाल देगा। आप अगर डेटा में जाके देखें तो यहाँ पे देखिए बी टू पे 500 आ गया। फिर नेक्स्ट क्या चले चेक करेगा कि आई का मान 20 है, आई का मान 20 है और सॉरी 2 है और इसको 20 तक चल रहा है, मतलब कि 2 जो है इज लेस देन 20। तो फिर ए वापस नेक्स्ट को रेफर करेगा और नेक्स्ट 4 को रेफर करेगा और फिर 4 इसको दोबारा से रन करेगा। अब की बार आर टू था, 2 + 1 3 हो गया और आई भी यहाँ पे 3 है क्योंकि आई काउंटर है, काउंट करता है कि लूप कितना बार चल चुका है और इसी स्टेप को इफ चेक करेगा वैल्यू डालेगा, तो इसी स्टेप को वो 20 बार रन करेगा, 20 बार रन करेगा। जब 20 बार पूरा हो जाएगा तो यहां पे आपको रिजल्ट दे देगा। कंसेप्ट समझ में आया आपको कंडीशंस एंड लूप दोनों का? अखिलेश जी, आशुतोष जी, मुकेश जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। अब यहां पे हमें r इक्वल टू r प्लस वन लिया तो बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं, वो i से ही काम चला लेते हैं क्योंकि i जो है वो भी एक तरह का हमारा वेरिएबल है। तो जब हम आई दे रहे हैं तो हमें आर देने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम आर नहीं भी दे सकते देंगे यहाँ पे। कई जगहों पे देना पड़ता है, वो तरीके बता देंगे कहाँ देना पड़ता है, बट यहाँ देने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपका लूप लग गया। तो लूप समझ गया, लूप क्या करता है। अब हम इसमें आगे और भी बहुत सारे चीज बताते हैं। अभी हमारे पास क्या था कि सिंगल कंडीशन और सिंगल रिजल्ट था। अब अगला कंडीशन में एक रिजल्ट, कंडीशन तो मेरा सिंगल ही है, मैं रिजल्ट बढ़ा देता हूँ। मुझे क्या करना है कि जिसको जिसके आगे हम वैल्यू डाल रहे हैं जो ग्रेटर देन 50 है, मुझे उसको कलर भी करना है। तो दो यहाँ पे दो वर्क हो गए और एक्सेल जो है लाइन बाय लाइन प्रोग्रामिंग करता है। अब इसमें हम दो लाइन तो नहीं लिख सकते, इसलिए मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा और इसका मेथड चेंज करना पड़ेगा, मतलब कि मुझे यहाँ डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड कर दिया हमने। अब जब इसको रन करेंगे तो सॉरी यहाँ पे एक नाम के दो मैक्रो नहीं बन सकते, नाम चेंज कर दिया। यहाँ पे हमने क्या दिक्कत हुआ, अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि जब आप नेक्स्ट इफ लगाते हैं और जब आप लाइन ब्रेक करते हैं तो आपको यहाँ पे एंड इफ देना पड़ेगा कि आखिर इफ किस ट्रू पार्ट में किसको किसको लेके चलेगा। तो हमने बोला कि अगर कंडीशन मैच को तो 500 लिखे और कलर करे और यहाँ पे मैंने एंड इफ कर दिया। जब आप यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एंड इफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने एक ही लाइन में सारा लिख दिया हुआ है, क्योंकि मेरे पास एक ही रिजल्ट था, मतलब कि मैच कंडीशन मैच होने पे मुझे एक ही काम करवाना था, बट यहाँ पे मुझे दो काम करवाने हैं, इसलिए हमने लाइन ब्रेक किया। तो लाइन ब्रेक करेंगे तो फिर हमें एंड इफ देना पड़ेगा। तो आप देखिए कि ये कलर भी यहाँ पे कलर भी कर दिया। अब मुझे इसमें एल्स देना है कि अगर 5 आए अदरवाइज 50 आए, मतलब कि जो ग्रेटर देन लेस देन 50 है उसमें वो 50 शो होना चाहिए। तो उस केस में क्या करेंगे कि उस केस में हाँ देखिए बताता हूँ आपको, सेम कंडीशन होगा इसमें, हम यहाँ पे एंड इफ तो रहेगा रहेगा, साथ में यहाँ एल्स आ जाएगा कि एल्स एल्स आ जाएगा और एल्स में हम यहाँ कंडीशन देंगे 50, मतलब कि अगर कंडीशन मैच हुआ तो हमें ए रिजल्ट देना है, अगर कंडीशन मैच नहीं हुआ तो इस रिजल्ट को देना है। तो दो रिजल्ट, अब इसमें जरूरी नहीं कि एक ही है, आप इसमें और भी बहुत सारे रिजल्ट ऐड कर सकते हो लाइन ऑफ कोड, और इसमें बहुत सारे लाइन ऑफ कोड को ऐड कर सकते हो, वो आज एज पर योर रिक्वायरमेंट फिट होता है। अब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे।
अच्छा यहाँ पे भी दो नाम के, एक नाम के दो मैं चेंज करना भूल जाता हूँ। या देखिए तो मैं इसको अगर रन करूंगा तो आप देखेंगे कि जहां पे मैच नहीं किया वहां पे 50 था। तो यहां पे हम else if भी लगा सकते हैं। तो if के कंडीशन समझ में आ रहे हैं आपको? हमने आपको पहले बताया कि सिंगल कंडीशन पे कैसे लगाओगे, जब आपके पास कंडीशन में रिजल्ट कई सारे हो तो उसके लिए फिर throw के आप and if कैसे यूज करोगे। फिर हमने आपको यहाँ पे बताया कि जब आपके पास else होगा तो else के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे। ठीक है सर, अब क्वेश्चन आता है कि मेरे पास अगर कंडीशन ज्यादा हुआ तो, मतलब कि दो कंडीशन हुआ, तो यहाँ पे मैं बिटवीन का कंडीशन लगाता हूं कि अगर ग्रेटर देन 50 और लेस देन 80 हुआ तो मुझे 500 देना है, अदरवाइज मुझे 100 देना है। तो कंडीशन यहां पे ए हुई। अब इसके लिए क्या प्रोग्राम करेंगे चलिए बताते हैं। तो इसके लिए प्रोग्राम यहां पे हम लिखेंगे, कंडीशन हमारा सेम रहेगा यहां पे, हाँ राइट। अब यहां पे हम एंड का फॉर्मूला लगाएंगे कि एंड, और हमारा जो कंडीशन है इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, हाँ यहां पे पेस्ट, और यहां लिखता हूं कि लेस देन 80 होना चाहिए। ऐसे तीसरी कंडीशन होगा तो अगेन यहां पे एंड लगेगा। ऐसे एंड एंड लगाते जाते हैं, आप 365 कंडीशन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो सारे कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। तो यहां पे हमने लगाया कि रेंज ग्रेटर देन 50 और लेस देन 80, तो यहां पे 500 आए, अदरवाइज 50 आए। तो इसमें आपका फिर भी वही मिस्टेक यहां पे आप देखें तो आप यहां इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन और का यूज कब करेंगे, तो चलिए मैं यहां पे कुछ डेट लिखता हूं आपके सामने, मैं फरवरी का ही डेट डालता हूं, और इस फरवरी के डेट में मैं यहां पे डे टाइप हमारा है वो लिखता हूं। अभी क्या है कि अगर सैटरडे एंड संडे हुआ, अगर हमारे इस डेट में सैटरडे एंड संडे हुआ तो यहां पे आना चाहिए वीक एंड, और अगर मंडे टू फ्राइडे है हमारा, मंडे टू फ्राइडे है तो यहां पे लिखना होगा मुझे वर्क डे, तो मुझे रिजल्ट देना है। तो कैसे देंगे चलिए अब इसके लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो इफ यहाँ पे एग्जांपल नंबर 5 ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, अब यहाँ पे लूप देंगे कि 4i इक्वल टू चले 22। अब मैं चाहता हूं ऑटोमेटिक करना, क्योंकि हो सकता है कि डेट 50 हो या 55 हो, तो ऑटोमेटिक करने के लिए हम लगाएंगे कि रेंज कॉलम h 65,000 डॉट एंड एक्सलेस हमारा अप, और इसमें हम देंगे रो। तो ये ऑटोमेटिक जितना कॉलम में डेटा होगा उतना ही चलेगा, सॉरी यहाँ पे आई करना होगा, हाँ आई। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा कि इफ रेंज एच के साथ आई डॉट वैल्यू, लेकिन मुझे इस पे तो डेट, हमारे इसमें तो डेट डला हुआ है, मुझे इसको डेज में चाहिए, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेज में, जो कि होगा फॉर्मेट से। जैसे एक्सेल में टेक्स्ट फॉर्मूला होता है, ऐसे यहाँ पे हम फॉर्मेट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 3 बार DD एंड इक्वल टू हम करेंगे यहाँ पे सैटरडे, इन्वर्टेड कॉमा में सैटरडे, और फिर और देंगे और इसको वापस कॉपी करेंगे, मैं कॉपी कर लेता हूं। जैसे आपने एंड दिया था ऐसे ही यहां पे और होगा, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा लंबा चल, इस तरह से भी लिख सकते हैं लेकिन थोड़ा बहुत बड़ा लंबा हो गया, तो क्यों ना मैं एक वेरिएबल ले लूं कि dim d as a string,
और फिर मैं यहाँ पे d इक्वल टू और जो हमारा वेरिएबल्स है इस वेरिएबल को यहाँ पे डाल दो कॉपी, और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और फिर यहाँ हम देते हैं कि d इक्वल टू सैटरडे एंड ऑल्सो d इक्वल टू संडे। ऐसा हुआ तो आपका रेंज एच के जगह पे आई है आपका आई, उसके साथ कंबाइन होगा हमारा ए नॉर्मल आई और डॉट वैल्यू इक्वल टू हमने दे दिया वीक एंड, और फिर यहाँ पे एल्स देंगे और एल्स में इसी चीज को हम कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हो जाएगा हमारा वर्क डे, क्यों वीकेंड नहीं होगा तो सैटरडे संडे होगा। अरे यहाँ पे एंड इफ कर देता हूं मैं, अब मैं इसको एक बार देख लेता हूँ ये चाहे, हाँ यहाँ पे इसको रन करता हूँ, रन करते हैं आप देखिए वीकडे वर्क डे आ गया। तो इसमें एंड और का इस्तेमाल कैसे करेंगे, नॉर्मल कैसे यूज करेंगे, जब आपके पास एल्स नहीं होगा बगैर एल्स के क्या यूज करेंगे, एल्स का कैसे यूज करेंगे, ये सारी चीज आपको मैंने बता दिया। क्या सर कोई डाउट इसमें? नहीं सर। अब एक कोड मैं आपको भेज रहा हूं, अब आपको इसमें क्या करना है, आपको याद होगा कि जब मैं रेंज के बाद हमने आपको एक एग्जांपल बताया था फॉर्म का कि एक फॉर्म बनाया था और उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे चेंज किया था, याद है? अब इस इफ के मेथड को आप उसमें इस्तेमाल कीजिए कि आपका अगर नेम ब्लैंक है तो डेटा ना भेजिए, रिपीटेड है तो डेटा ना भेजिए। तो ऐसी चीजें यहां पे आपको करनी है, ठीक है? तो मैं कोड आप लोगों को भेज देता हूं। आशुतोष सिंह है ना, आशुतोष मिश्रा है, सॉरी। ठीक है, मैं इसको कोड को भेज दिया, आप लोग इस पे प्रैक्टिस कीजिए और मुझे भेजिए। कोई डाउट वगैरह है आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस से? नहीं है तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय, गुड नाइट।